चैनल सब्सक्राइब टू फुटप्रिंट सब्सक्राइब टू फुटप्रिंट्स एंड कमेंट एंड लाइक एंड शेयर वेरी गुड। कभी कभी बारिश पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना मेरे को, क्योंकि आज मेरा इतना सारा प्लान्स था, क्योंकि मेरे को सबसे पहले जाना था बोरा बाजार, वहाँ से मेरे को एक माइक कलेक्ट करना था फॉर माय शॉर्ट फिल्म, वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आज मेरी मॉम का हैप्पी बर्थडे है, आई थॉट मम्मी के लिए भी मैं कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आऊँगा, वो भी फ्लॉप हो गया। एंड आज अपना इस 10 डेज व्लॉग वाली सीरीज का लास्ट वाला व्लॉग था, सो आई थॉट एकदम मस्त वाला मैं सिनेमैटिक्स वगैरह शूट करूँगा मरीन ड्राइव पे, हुसैन को भी मिलना था लेकिन सब चौपट हो गया क्योंकि बारिश आ गई। एंड भाई इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, बट आई कैनॉट डू एनीथिंग। बट लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड, आज मेरी मॉम का बर्थडे है, सो आज मैं मम्मी के लिए केक लेने वाला हूँ एंड आज मेरी मॉम का मैं फेस रिवील करूंगा इस व्लॉग में। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम चो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दिस इज द 10th व्लॉग ऑफ माई 10 डेज 10 व्लॉग सीरीज। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने पहला व्लॉग डाला था तब मेरे को लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं हफ्ते का एक या दो व्लॉग्स डालता था, तो 10 दिन 10 व्लॉग डालना वॉज लाइक मैं कैसे करूंगा पता नहीं, बट somehow I pulled it off very nicely. बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया था, फुल बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, बट ठीक है, अपने वो थोड़ा बहुत ऐसा जोश डाल के ना अपने व्लॉग बना ही लिया। नाउ आई हैव 30 मिनट्स इन हैंड, क्योंकि आधे घंटे के बाद मेरे को निकलने का है टू गेट माई मॉम्स केक। तो जब तक मैं निकलू तब तक लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डेली व्लॉगिंग। सो लेट्स बिगिन विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डेली व्लॉगिंग। तो सबसे पहला जो प्रो था ना, दैट वॉज माई व्यूज आर अप, माई सब्सक्राइबर्स आर अप, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, एंड ओवरऑल कहते हैं ना माई एंटायर चैनल इज वेरी मच अप। क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने चालू किया था ये डेली व्लॉगिंग, दैट टाइम आई वॉज ऑन अराउंड 55,000 सब्सक्राइबर्स, और सिर्फ 10 दिन के अंदर मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, एंड राइट नाउ आई एम ऑन 60,000 एज आई स्पीक दिस। तो पता नहीं ये व्लॉग आएगा तब तक मे बी 61 और 62 हो जाएगा। दूसरा जो प्रो था दैट वॉज कि मेरा डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बढ़ गया, कि व्लॉग बनाना है तो बनाना ही है, अपना काम है अपने को शिद्दत से करना है, एक ये भी बहुत बड़ा प्रो था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेली व्लॉगिंग। सबसे पहली चीज तो भाई अपनी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर आप कंटिन्यूसली व्लॉग और एडिट करो, क्योंकि 10 दिनों से मैं बराबर से सोया नहीं हूँ। बीच में 5वें 6वें दिन तो मेरे को इतना ज्यादा हेडेक हो रहा था, रात को 2 बजे उठ के मैं बैठ गया क्योंकि सर फट रहा था मेरा, और मेरे को समझ नहीं रहा था कि अभी मैं और 5 दिन कैसे निकालूंगा, बट वो जैसे तैसे निकल गया। बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग कि तुम अपने बॉडी को कॉम्प्रोमाइज करके ये चीज कर रहे हो। दूसरी जो बुरी चीज मेरे को लगी वो ये थी कि मेरा जो फिटनेस चैलेंज भी मैंने लिया था वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। इनफैक्ट मेरा वर्कआउट और कम हो गया बिकॉज व्लॉग ही चल रहा था पूरा दिन, तो वर्कआउट करने की बॉडी में ताकत ही नहीं थी, तो ये चीज पे मेरे को थोड़ा काम करना है। टू सम इट अप, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। आगे मैंने सोचा है कि यू नो 21 डेज वाला चैलेंज लूंगा, उसके बाद 30 डेज वाला भी चैलेंज लूंगा, बट नॉट नाउ बिकॉज अभी IFPB आ रहा है और उसके बाद आई नीड अ लिटिल रेस्ट, एंड वंस एवरीथिंग सेटल्स फॉर श्योर मैं 30 डेज 30 व्लॉग्स का चैलेंज लूंगा, बिकॉज बॉस कंसिस्टेंसी अगर तुम बढ़ा लो ना यूट्यूब पे, तुम्हारा ग्रोथ एक्सेप्शनली हो जाता है, एंड दैट आई एम सीइंग इन ओनली 10 डेज। तो सोच लो अगर 30 डेज कंटिन्यूसली डाल दिया तो क्या मतलब भाई। बारिश देखो यार, कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है। Oh man, what timing, I swear. मतलब मेरा व्लॉग अपलोड जस्ट हुआ एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक 3:30, 3:45 राइट नाउ, और मॉम दूसरे रूम में गई एंड आई गॉट अ चांस टू लीव। तो मैंने मम्मी को बोला है कि मैं यश को मिलने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये गोप्रो देने का है, एंड मॉम वॉज लाइक कि इतना बारिश में तो क्यों जा रहा है वगैरह, बट आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेक हर केक। तो मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू, आई नो तो ये वीडियो देख रही है, और एक मस्त वाला तेरे लिए केक लेकर आ रहा हूँ।
तो मेरे को इतनी ज्यादा घाई थी कि घाई घाई में मैंने इतना छोटा झोला ले लिया, तो इसके अंदर अभी केक कैसे आने वाला आई हैव नो आइडिया। फनी जोक बताता हूँ, मेरी मॉम का बर्थडे ऑलमोस्ट एवरी ईयर बारिश में ही होता है, बिकॉज आई रिमेम्बर 2 साल पहले वी वर एट तारदेव एंड इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवी, लाइक दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट रेनफॉल्स इन मुंबई, और कमर तक का पूरा पानी भर चुका था और हम लोग बस वगैरह में बैठे थे। एंड आज का ही दिन था 23rd September एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग टुडे, इट इज रेनिंग वेरी वेरी हैवी, ऑलमोस्ट एंटायर मुंबई में पानी भर चुका है। तो वो वाली शॉप तो बंद थी, बट ये वाली अभी चालू, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, होपफुली यहाँ पे अच्छा मिल जाए। सो आई एम एट दिस केक शॉप कॉल्ड एज सूफले एंड लकीली मेरे को यहाँ पे मिल गया, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी केक शॉप इज शट राइट नाउ, बट ये खुला था और यहाँ पे मेरे को अभी ये वाला बहुत अच्छा वाला केक मिला है। एंड द रीजन वाई एम टेकिंग दिस इज बिकॉज मम्मी को चॉकलेट पसंद नहीं आता है, एंड अभी मम्मी का ही बर्थडे तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके ये वाला फ्रूट वाला केक खा लेंगे, थोड़ा हेल्दी भी रहेगा एंड यू नो अपना डाइट भी थोड़ा अच्छा खासा रहेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो केक अपना रेडी हो गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि आई कैन नॉट टेक दिस केक इन द बैग दैट आई हैव बॉट एंड इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, तो मेरे को अभी यहाँ से टैक्सी में भाग के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे केक के साथ साथ भाई ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। एंड आपका जो मैं केक शॉप का एड्रेस वगैरह वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट केक एंड यू गाइज आर इन लोअर परेल एरिया कम हियर, भाई ने मेरी बहुत हेल्प कर दी बिकॉज सारे केक शॉप बंद और यहाँ पे चालू था, तो थैंक यू सो मच। तो फाइनली इतनी बारिश में केक आ गया, मिशन सक्सेसफुल। A few moments later. So it's 7:24 right now और मैंने क्या सोचा था कि डॉट 7:30 को है ना मैं डायरेक्टली जाऊँगा फ्रिज से केक लूँगा एंड मम्मी के सामने रख दूंगा और बोलूँगा मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू, ये है तेरा गिफ्ट और खोल के तू देख ले कौन सा केक है। एंड आई थॉट कि मैं ये जो रिएक्शन होने वाला है वो पूरा कैप्चर करूँगा, लेकिन मेरी बहन ने मम्मी को सब कुछ बता दिया कि हम फ्रूट केक लेकर आए, यहाँ से केक लेकर आ गए, फलाना जितना भी मैंने प्लानिंग किया था सब मम्मी को ऐसे ही बोल दिया जाके। तो ये एक सिबलिंग्स कभी कभी इतना ज़्यादा इरिटेटिंग क्यों होता है, आई रियली वॉन्ट टू नो दिस। Subscribe to footprint and comment and like and share and share, very good. सो फाइनली अपना 10 days 10 vlogs चैलेंज कंप्लीट हो चुका है और आज का भी व्लॉग एकदम सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो गया। एंड वाओ व्हाट अ सीरीज, मतलब बहुत मजा आया मेरे को 10 दिन 10 vlogs बना के। एंड अभी तो मन कर रहा है कल भी मैं ना कुछ व्लॉग कर लूँ, देखते हैं अभी अगर मेरे को कल कुछ कॉन्टेंट मिल गया तो आई विल मेक अ व्लॉग। वो कहते ना एक बोनस व्लॉग शायद से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अगर बारिश नहीं आई तो पक्का वाला मैं करूँगा, लेकिन कोविड के टाइम पे मेकिंग 10 days 10 vlogs आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ डूइंग दैट। एंड बॉस डू नॉट फॉरगेट टू टर्न द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, आपको जो करना आप कर सकते हो। मम्मी ने भी बोला है सब्सक्राइब करने, तो अब तो करना ही पड़ेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर भी करो, क्योंकि 100K है ना भाई, 100K अभी जल्दी से जल्दी करना है अपने को, दिसंबर के पहले 100K हो गया ना। डोमिनोज पार्टी याद है कि नहीं तुम लोग को, याद है कि नहीं मैंने मेरे फर्स्ट Q&A में बोला था कि डोमिनोज की पार्टी रखूंगा। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स, शुक्रिया।